पहले मैं स्क्रूज ओपन करने के लिए इन पेंच कसों का यूज करता था, फिर मेरे पास टाइम की कमी पड़ने लगी, तब मैंने इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर ले लिया और मेरा काम आसान हो गया। चीजों में छेद करते वक्त जब इस वायर ड्रिल मशीन का ये वायर मुझे परेशान करने लगा, उलझने लगा, तब मैंने ये कॉर्डलेस ड्रिल ले ली। लकड़ी और प्लाई काटने में जब इस आरी से भी मेहनत लगने लगी, तब मैंने एक वुड कटिंग मशीन ले ली। लेकिन जब बात है नट ओपन करने की, तो सबसे पहले मैंने ये रिंच लिया, फिर ये वाले लिया, फिर ये वाले लिया और फिर लास्ट में ये वाला लिया। लेकिन अभी भी काम हमारा आसान नहीं हुआ, टाइम बहुत लगता था और मेहनत भी लगती थी। लेकिन अब हमारे काम होने वाले बड़े, तो हमें चाहिए कुछ ऐसा जो हमारे बड़े बड़े कामों को आसानी से, तेजी से और एफर्टलेसली कर ले। तो इसके लिए मैंने ले ली भाई एक इम्पैक्ट रिंच मशीन, जो कि है इस बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस मशीन को टेस्ट करेंगे अच्छी तरीके से और देखेंगे कैसी होते इम्पैक्ट रिंच मशीन और कितने के आते, कहां से ले, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो ये रहा इसका बॉक्स। तो ये JPT 21 वोल्ट डुअल स्पीड इम्पैक्ट रिंच और इसके अंदर हमें मिल जाता है सबसे पहले तो वारंटी कार्ड एंड मैनुअल्स, दो बैटरी वो भी लिथियम आयन 21 वोल्ट, इस मशीन के सॉकेट्स, एक चार्जर बैटरी को चार्ज करने के लिए और फाइनली हमारी ये इम्पैक्ट रिंच मशीन। और हमारी ये मशीन तैयार हो गई नट टाइट और नट ओपन करने के लिए। तो भाई सबसे पहले फीचर इस मशीन का, इसका ट्रिगर, हम जितना धीमे दबाएंगे उतना धीमे चलेगा और जितना तेज दबाएंगे उतना ही तेज चलेगा ये। और ये मशीन आती है 320 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ, जो कि इसके साइज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। साथ ही में इसके आगे एक LED लगी हुई है जो कि रात को काम करते वक्त काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और यहाँ पे इसके जो बटन अगर बीच में रहेगी तो ये मशीन लॉक रहेगी, नहीं चलेगी। अगर इस डायरेक्शन में दबाएंगे तो मशीन सीधा चलेगी और अगर बटन को इधर प्रेस कर देंगे तो मशीन उल्टा चलेगी और हम लोग नट को ओपन कर सकते हैं, यानी कि टाइट करने के लिए इधर और ओपन करने के लिए इधर। इसके नीचे के पोर्शन में एक बटन दिया गया है जहाँ पे हम लोग इसका टॉर्क कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसे हम लोग दबाएंगे जब ये फॉरवर्ड में होगा और इसे दबाएंगे तो देखिए ये हाई पे चला गया, यानी कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई है, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल काम कर सकते हैं। इसका टॉर्क ज़्यादा हो गया है, लो करने के लिए हम लोग इसे वापस दबा देंगे, अब ये लो हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इसे छोटे नट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं आराम से। इसमें एक और फीचर है ब्रेक स्टॉप का, यानी कि जब हम इसे रिवर्स में करेंगे तब ये ब्रेक स्टॉप का फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्टिवेट हो गया है। अब इसका क्या मतलब है कि ये मशीन थोड़ा चलेगी नट ओपन करते वक्त और फिर तुरंत रुक जाएगी, देखो कुछ ऐसा। लेकिन जब हम लोग इसका ब्रेक स्टॉप हटा देंगे तो भाई रिवर्स में ये रुकने वाली नहीं है। तो अभी हम लोग इस इम्पैक्ट रिंच मशीन को टेस्ट करने वाले हैं और मैं पहली बार इसे यूज करने वाला हूं, देखता हूं मैं इसे ओपन कर पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा या नहीं। एक चीज और, जो मैकेनिक्स लोग हैं कार ओपन करते हैं, इनका रोज का काम है दिन की 10-20 गाड़ियां ओपन करना, तो भाई उनके लिए काफी काम की चीज होने वाली है, उनका बहुत टाइम बचने वाला है। अगर वो आधा घंटे में एक गाड़ी ओपन करते थे तो शायद इस मशीन की मदद से 5 मिनट में ही एक गाड़ी ओपन कर दें। तो सबसे पहले हम लोग इस इम्पैक्ट रिंच की टेस्टिंग करेंगे अपनी इस स्कूटी पे। अरे 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 रुको, डायरेक्ट इम्पैक्ट रिंच की टेस्टिंग क्यों? सबसे पहले इसके साथ जो मैनुअल वाले औजार मिलते हैं उनकी मदद से ओपन करके देखते हैं। तो इसके अंदर जो मैनुअल मिले हैं वो इतने रिंच, पेचकस और कुछ ऐसा पाना वाना मिला है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मेरे पास 3 औजार और हैं, ये वाला जो कि मेरे पास पहले से थे। ये वाले तो गाड़ी के साथ आते हैं, तो हम लोग सबसे बड़ी से इसका आगे का टायर ओपन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो गाड़ी के साथ मिला है छोटा सा रिंच, भाई इतना छोटा है, जितना रिंच छोटा होता है उतनी ही ज़्यादा ताकत लगती है, ठीक है। देखते हैं मैं ओपन कर पाऊँगा नहीं। भाई ओपन तो कर लिया मैंने, ये देखो, लेकिन ताकत यहाँ पर मुझे बहुत लगी, लेकिन हाँ ओपन हो गया। तो जब इस वाला रिंच से स्कूटी का टायर ओपन हो गया तो डेफिनेटली इससे भी ओपन हो जाता। फाइनली
अब इसे ओपन करते देखते हैं कितनी ताकत, कितनी मेहनत, ताकत तो नहीं लगने वाली। हाँ टाइम बहुत कम हो जाएगा। और भाई ये यहाँ पे फिट किया और इसमें 17 नंबर का सॉकेट लगा है। और 3, 2, 1 भाई इंपैक्ट प्रिंट मशीन इसे एक झटके में ओपन कर दिया। ओपन होने के बाद इसके अंदर की रॉड भी नाचने लगी और मुझे पता नहीं चला कब ओपन हो गया। अब इसके दूसरे साइड को इस सॉकेट की मदद से रोक के मैं इसका नट निकाल लूँगा। कुछ ऐसे नट हो गया इसका बाहर और इतनी जल्दी काम हो गया, ताकत भी नहीं लगी, पता ही नहीं लगा, ना हाथ लाल हुआ ना कुछ। अब हम लोग आसानी से इसके टायर को निकाल सकते हैं। बड़ी मुश्किल से टायर इस पे। अब इसे वापस कसने की बारी। आई थिंक कस गया है। तो अभी हम लोग वापस से इसे खोल के देखने वाले हैं कि भाई कितना टाइट हुआ है इस रिंच की मदद से। भाई सच में नहीं खोल पा रहा, बहुत अच्छे तरीके से मशीन ने टाइट कर दिया है। क्या टाइट तो बड़े अच्छे तरीके से कर दिया है। एक बार फिर से खोल के ही देख लेते हैं कि खुलेगा नहीं। खुल गया तो बढ़िया है, एक नंबर। जल्दी खुल जाता है और बहुत ही मजबूती से टाइट हो जाता है। स्कूटी पे टेस्टिंग हो गई, अब टेस्टिंग करना है बाइक पे। लो भाई ओपन। अब मैं आपको पूरा भी बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब तो मानोगे कितनी आसानी से ओपन कर ली हमने अपनी टीवीएस का पहिए का बोल्ट। अब बारी है, आप सबको पता चल गया होगा, पता ही होगा थंबनेल देख के हम लोग क्या ओपन करने वाले हैं इसकी मदद से। The next day. तो भाई फाइनल टेस्टिंग आपको आगे लगी गया होगा। तो यहाँ पे हम अपनी इस मशीन की टेस्टिंग करने आ गए हैं अपनी इस नई कार के साथ। वो भी नया टायर ओपन करने। कौन कौन इंसान अपनी नई कार के साथ जिसे कुछ खोलना वोलना ना आता ऐसा करता है, लेकिन मशीन टेस्टिंग के लिए भाई करना बनता है। भाई इस चीज़ के लिए एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि भाई आपको मशीन की टेस्टिंग दिखाने के लिए मैं नया कार का ये स्क्रू ये बोल्ट ओपन करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये। ओहो ओ भैया डर लग रहा है। ओपन हो गया, ओपन हो गया भाई। यहाँ पे हमने कार का नट ओपन कर रहा था। ओहो तो भाई ये रहा अपनी कार का नट। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से इस मशीन ने इस नट को ओपन कर लिया। यही नहीं, ये मशीन पुराने जंग लगे बहुत टाइट हो चुके और कभी जो नट बिल्कुल खुल ना रहा है उनको भी आसानी से खोल सकती है, क्योंकि ये भाई इम्पैक्ट रेंज है, ये वाइब्रेशन भी करते हैं नट को ओपन करते वक्त। चलिए एक और नट ओपन करते हैं अपनी इस कार का, ये नीचे वाला, नीचे वाला। दूसरा नट भी ओपन। तो यहाँ मैंने बिना किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस के कार के दो नट ओपन कर डाले। तो जो मैकेनिक भाई लोग हैं उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो तो इस मशीन से धना धन काम ले सकते हैं। भाई इस तरीके से हमने आज के सूर्य में अपने इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी अपनी इस नई कार में, ठीक है। मैं आपको इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, अमेजान से ले भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्रोडक्ट पसंद आया हो, तो इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल दबा देना, ठीक है। अब चलते हैं घर पे। ड्राइवर अंकल, हाँ अभी मुझे चलाना नहीं आता।